नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हुनिशा और अब खबरें विस्तार से। खालवा में चल रहा है माधव कंस्ट्रक्शन का कार्य। स्टेट बैंक के सामने हुई घटना उस समय हुई जब रोड पर खड़ा पानी का टैंकर बीच रोड पर कार्य चल रहा था। आए दिन हो रही घटनाओं का कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहले भी दो दिन पहले बीच बाजार डंपर की घटना सामने आई थी और आज एक और घटना सामने आई। टैंकर की कंडीशन देखकर आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे जुगाड़ का टैंकर रोड पर कार्य के लिए लाया गया है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में संत शिरोमणि सावता महाराज भजन मंडली द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ताल मृदंग गीता गायन का प्रशिक्षण दिया गया। देश में नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म से आमजन में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इसे लेकर आज सुबह मुरैना में अशासकीय शिक्षक संघ व विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। आज सुबह जिवाजीगंज के अग्रसेन पार्क में सैकड़ों विद्यार्थियों व अशासकीय शिक्षकों ने ट्विंकल शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। विदित हो कि अवोध ट्विंकल शर्मा के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। इसके हत्यारों को पकड़ने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा हेतु कदम उठाने की योजना बनाई जाने की मांग की गई। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ट्विंकल शर्मा के साथ जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पे खड़े हुए हैं और मेरा यही कहना है कि हम लोग आगे, हमने यह प्रण लिया है साथ में कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ ना होने देंगे ना करेंगे, और जो इसके साथ ऐसा करेगा उसका हम विरोध करेंगे, बहुत विरोध करेंगे। और हमारा यही मानना है कि हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं इंडिया में, और ये हमारी संस्कृतियों के खिलाफ है कि हम किसी दूसरे की घर की लड़की के साथ कुछ ऐसा करें। ट्रक की टक्कर से दो महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 3 साल की बच्ची घायल हो गई। ग्रामीण ने ट्रक पकड़ लिया लेकिन चालक भाग गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम कर अम्बाहा मुरैना मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हथियार की दम पर शिक्षक से बंदूक छीनी बदमाशों ने। नेशनल हाईवे नंबर 3 के देवरी गांव के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। करतार सिंह मावई निवासी वेड़ा थाना नूराबाद पर कट्टे से किए प्रहार। शिक्षक अपनी ससुराल गंगाराम का पुरा जा रहे थे। थाना सिविल लाइन पुलिस कर रही है कार्रवाई। 70 वर्ष पुरानी है माउंजर बंदूक, 275 लाख रुपए कीमत। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। करतार सिंह बाबा ये हैं जो बेड़ा के रहने वाले हैं। वो अपनी राइफल लेके साइकिल से बेड़ा से चले आ रहे थे और ये अपने एफडीआर के कॉलेज है, उसके बाद में मोटरसाइकिल लोगों ने उसे राइफल चलाई है, उसके यूज किया है, मदद की है, तो लोगों ने उसके बटने उसके गाल पे और हाथ पे। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।